नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आयुषवाणी चैनल में। सबसे पहले तो सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी सेफ रहें, हेल्दी रहें। लगभग सभी जगह जो है वो BAMS के एडमिशन्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और अब जो है ज़्यादातर सब बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि होली के बाद जो है वो क्लासेस स्टार्ट होंगी, हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे और हमें किस तरीके से स्टडी करनी है। ये सारी बातें अब बच्चों के दिमाग में चल रही हैं। तो इन्हीं सबसे रिलेटेड हम लोग फर्स्ट प्रॉफ में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे आपका रचना शरीर, क्रिया शरीर, संस्कृत, अष्टांग हृदय, पदार्थ विज्ञान, आयुर्वेद का इतिहास और मॉडर्न एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम लोग फर्स्ट प्रॉफ में पढ़ते हैं। तो इसमें जो है आज हम मेनली फोकस करेंगे रचना शरीर पे, कि रचना शरीर में हमें कैसे पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें इसमें जो है हमें कौन कौन सी बुक्स देखनी है पढ़ने के लिए, और आयुर्वेद में और मॉडर्न में हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। थोड़ा सा सिलेबस वाइज और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखेंगे कि हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो जो रचना शरीर सिलेबस है ये जो है वो 200 मार्क्स का है। इसमें दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 100 मार्क्स, पेपर 2 100 मार्क्स। दोनों ही पेपर्स को सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड कर दिया गया है। पार्ट 1, पार्ट ए एंड पार्ट बी फर्स्ट पेपर, एंड पार्ट ए एंड पार्ट बी सेकंड पेपर। तो इसी हिसाब से ही जो है जो दिया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग जो CCIM के है हम सिलेबस को पढ़ेंगे। तो इसमें जो पार्ट ए आता है, इसमें जो फर्स्ट पेपर का पार्ट ए है, इसमें टोटल आयुर्वेद है, सारे आयुर्वेद पोर्शन को कवर किया गया है। और पार्ट बी फर्स्ट पेपर का और पार्ट ए एंड बी ऑफ सेकंड पेपर, इतना पूरा पोर्शन जो है वो मॉडर्न का है। तो आयुर्वेद में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हो जाएंगे, हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें बहुत सारे हैं। शरीरोत्क्रमणीय शरीर है, गर्भावक्रांति शरीर है, पेशी शरीर, कोष्ठ शरीर, उत्तमांगीय शरीर, बहुत सारे बच्चों आपको नए टॉपिक्स देखने को मिलेंगे इसमें। तो इसमें जैसे पहले शरीरोत्क्रमणीय शरीर है, तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम शरीर के बारे में जानेंगे, शरीर क्या होता है, इसमें किन किन चीज़ों से बना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी क्या होती है, इनके बारे में हम पूरी स्टडी करते हैं। साथ ही साथ वात पित्त कफ का त्रिदोष का जो है वो हमारी बॉडी में क्या स्थान है, इन सब के बारे में पूरा इसमें डिस्कस किया जाएगा। पुरुष को जो है, मतलब जो हमारी बॉडी है और पूरे शरीर को जो है वो कई आचारों के अनुसार कई टाइप का बताया गया है, तो पूरा डिस्क्रिप्शन इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी, ये टोटल शरीरोत्क्रमणीय अध्याय में पहले चैप्टर में बताया गया है। उसके बाद दूसरा परिभाषा शरीर आता है, क्या क्या आयुर्वेद में टर्म्स यूज़ हुए हैं, रचना शरीर में क्या क्या टर्म्स यूज़ हुए हैं, कौन कौन से किन टर्म्स से हम क्या क्या समझ सकते हैं। अब जैसे आप बेसिक्स में आएंगे तो बेसिक्स में आपको पता होना चाहिए कि ये जो शब्द आए हैं, जैसे हम लोग मॉडर्न में पढ़ते हैं कि जैसे मान लीजिए फ्लेक्स है, बेंड, फ्लेक्स का मतलब क्या होता है, बेंड करना, एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंड करना। तो इसी तरीके से आयुर्वेद में भी कुछ परिभाषाएँ, कुछ टर्म्स दिए गए हैं जिनको जो है उनके अर्थों को उसके साथ समझाया गया है। उसके बाद गर्भ शरीर पूरा जितना फीटस से रिलेटेड है, कि फीटस कैसे फॉर्म होता है, गर्भ कैसे बनता है, उसके बाद उसके डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद डेवलपमेंट में कि कौन कौन से मास में कौन कौन से अंग बनते हैं, ये सारी चीज़ों को आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा डिस्क्राइब किया गया है। तो इसका पूरा वर्णन हम लोग गर्भ शरीर में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है प्रमाण शरीर। प्रमाण शरीर में जो बॉडी का प्रमाण है कि जो हमारी परफेक्ट बॉडी है, जैसे तीन टाइप का बताया गया है, उत्तम, हीन और मध्य, तो जो सम शरीर होता है, जो नॉर्मल बॉडी होता है, उसमें क्या क्या प्रमाण होता है। सम प्रमाण मतलब कि मेजरमेंट्स, क्या मेजरमेंट्स बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग सारा इस चैप्टर में बताया गया है। जैसे इसमें मेनली जो है वो दो बताया गया है, आचार्यों ने उस टाइम से अंगुली प्रमाण और अंजलि प्रमाण पर एम्फोसाइज किया है, तो उसी का इसमें डिटेल बताया गया है। उसके बाद अस्थि शरीर और संधि शरीर। अस्थि शरीर में सारे बोन्स का डिस्क्रिप्शन है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, और संधि शरीर में बोन्स जो संधियों का मींस जॉइंट्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। देन पेशी शरीर, पेशी शरीर में हमारी बॉडी में जितनी भी मसल्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन है। और फिर उसके बाद है कोष्ठ एवं आशय शरीर। कोष्ठ में जितना भी एब्डोमेन से रिलेटेड है, मतलब एब्डोमेन में, एब्डोमेन और पेल्विक जो एब्डोमेन है, दोनों के ऑर्गन्स के बारे में और जितना भी आयुर्वेद में बताया गया है वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। ये जितना भी कंटेंट है ये आपका फर्स्ट पेपर के पार्ट ए सेक्शन में है। इसके साथ ही कला शरीर, मतलब हमारी बॉडी में कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये बहुत शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं कि आपको एक ब्रीफ वे में पढ़ना क्या है, इसके अंदर स्टडी करने के लिए बहुत मटेरियल है।
तो कला शरीर, उसके बाद उत्तमांगीय शरीर। उत्तमांगी मतलब उत्तम, जो हमारे शरीर शरीर में सिर को जो उत्तम बताया गया है, तो उसमें जो है वो सिर के बारे में कौन कौन से, मतलब वहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, आयुर्वेद में सिर के रिलेटेड कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, उनका क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये सारा उत्तमांगीय शरीर में बताया जाएगा। उसके बाद हमारे रचना शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम वाइटल पार्ट कह सकते हैं, दैट इज़ मर्म। मर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और मर्म को आप मतलब उसको कंसंट्रेट होकर पढ़ना है, उसका बहुत क्लिनिकल आस्पेक्ट्स भी हैं, तो मर्म को हमें बहुत अच्छे से समझना है। और हमारे रचना शरीर का एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है मर्म शरीर। तो मर्म शरीर में टोटल हमारे वाइटल पॉइंट्स 108 होते हैं, इसके बारे में बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन आचार्यों ने दिया है। उसके बाद लास्टली आयुर्वेद का चैप्टर आता है इंद्रिय शरीर। इंद्रिय शरीर मतलब कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके बारे में आचार्यों ने क्या क्या बताया है, इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो रचना शरीर हमें आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, इन्हीं में इन्हीं से ही रिलेट करते हुए हमको मॉडर्न चैप्टर्स भी पढ़ने हैं। हाँ, कुछ मॉडर्न चैप्टर्स इसमें से थोड़े से साथ में और भी चैप्टर्स हैं, वो भी हमें इसमें इंक्लूड करने हैं। तो इसको जो है हमें श्लोक वाइज भी पढ़ना है, श्लोक भी बहुत अच्छे से हमें लर्न होने चाहिए, और थ्योरी तो हमें समझी होनी चाहिए। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं जिनके थ्रू जो है हम रचना शरीर में कुछ टॉपिक्स को, जैसे त्वचा शरीर वगैरह है, स्किन के बारे में, कला के बारे में, या कोष्ठाशय के बारे में, मेरी और भी वीडियोज़ यहाँ पर हैं, आप इसमें देख सकते हैं, उसमें कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिए हुए हैं रचना शरीर के टॉपिक को लर्न करने के लिए। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट एंड सेकेंड पेपर। सेकेंड पार्ट मतलब पेपर फर्स्ट का पार्ट बी और पेपर टू का ए एंड बी दोनों। तो इसमें आपका जितना भी मॉडर्न पार्ट आ जाता है वो आ जाएगा। मॉडर्न एनाटॉमी आप समझ ही रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रिजर्वेशन, जो मेथड्स कैडवर के दिए गए हैं। हाँ, इसमें जो सबसे पहला चैप्टर आयुर्वेद में था, शरीर उत्क्रमणीय शरीर, उसी में ही जो है वो मृत संशोधन पद्धति के नाम से कैडवर का प्रिजर्वेशन बताया गया। आचार्य सुश्रुत ने बहुत ही अच्छा मृत संशोधन पद्धति उस समय कैसे करते थे इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो जब आप पढ़ेंगे आगे इसका डिटेल, आपको जो है इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँगी अलग से। अभी इसमें फ़िलहाल हम इतना जानते हैं कि मृत संशोधन पद्धति को आचार्यों ने उस समय के हिसाब से कैसे करना चाहिए, कैसी नदी होनी चाहिए, कैसा कैडवर लेना चाहिए, इसके बारे में बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है। तो ये हमारा पार्ट ए के फर्स्ट चैप्टर है शरीर उत्क्रमणीय। इसी को हम पार्ट बी में मॉडर्न में प्रिजर्वेशन ऑफ जो कैडवर है उसमें एम्बामिंग मैथड और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए उसका डिटेल हम पढ़ेंगे। देन जैसे कि परिभाषा शरीर था, वैसे यहाँ पर एनाटोमिकल टर्मिनोलॉजीज है, क्या क्या होता है, फ्लैक्स है, बैंड है, आपका एक्सटेंशन है, या सर्कमडक्शन क्या होता है, डक्शन क्या होता है, एबडक्शन क्या होता है, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। नेक्स्ट गर्भ से ही रिलेटेड है एम्ब्रियोलॉजी। जैसे हम आयुर्वेद में पढ़ेंगे कि गर्भ कैसे डेवलप करता है, वैसे ही एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो से लेकर पूरा बनने तक, जब तक पूरे ऑर्गन्स बच्चों में डेवलप नहीं जाते हैं, टिल बर्थ क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, इसको हम पूरा एम्ब्रियोलॉजी में कवर करेंगे। नाउ कम टू द ऑस्टियोलॉजी एंड ऑर्थ्रोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी ये रिलेटेड है आपका बोन से रिलेटेड, हिप बोन, फीमर, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड जो बोन्स, जो आपकी आर्थ्रोलॉजी दैट इज़ जॉइंट्स, जॉइंट्स में आप जो भी आपके जॉइंट्स आते हैं, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट एक्सेट्रा, ये सब हम उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, CVS। CVS में हार्ट से रिलेटेड और ब्लड वेसल्स से रिलेटेड ये सारा डिस्क्रिप्शन इसमें पढ़ेंगे। साथ में लिम्फैटिक सिस्टम एंड मायोलॉजी। लिम्फैटिक सिस्टम लिम्फ से रिलेटेड और मायोलॉजी रिलेटेड टू द मसल्स, ये सब पढ़ेंगे इसमें। अब आते हैं हम पेपर टू में पार्ट ए में आते हैं। ये तो था आपका पेपर वन का पार्ट बी, अब हम आते हैं पेपर टू। पेपर टू में भी पार्ट ए, पार्ट ए में हमारा रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव और एंडोक्रिनोलॉजी, ये पांच टॉपिक्स आते हैं। रेस्पिरेटरी रिलेटेड टू द लंग्स, डाइजेस्टिव रिलेटेड टू द एब्डोमेन, जो कोष्ठ एवं आशय हमने आयुर्वेद में पढ़ा था उसी को हम यहाँ पे एब्डोमेन में पूरा पढ़ेंगे। और एब्डोमेन में, एब्डोमेन के साथ साथ यूरिनरी सिस्टम जिसमें आपका किडनी, यूरेटर एटसेट्रा एटसेट्रा, और रिप्रोडक्टिव मेल एंड फीमेल एंड एंडोक्रिनोलॉजी होल, एंडोक्रिनोलॉजी पूरी जितनी भी ग्लैंड्स वगैरह हैं उसको पूरा स्टडी करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट पार्ट ए। नाउ कम टू द पार्ट बी। पार्ट बी में मेनली हमारा नर्वस सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन, और एक आता है रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, मतलब एक्सरे वगैरह देखना, इन सब में हम स्टडी करेंगे। तो नर्वस सिस्टम में जितना भी अपना ब्रेन से रिलेटेड है वो सारे स्ट्रक्चर्स इसमें आएंगे। सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन जितने हमारे वो सब हमें स्टडी करने हैं, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, ये सारा हम इसमें स्टडी करेंगे। और रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी में हम एक्सरे के थ्रू स्टडी करेंगे।
इसमें ज़्यादातर जो बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, इसमें बहुत सारी बुक्स हैं, वैसे तो आप बहुत सारी बुक्स में इसको देख सकते हैं। जो मॉडर्न है, मॉडर्न के लिए ज़्यादातर ग्रेज एनाटॉमी फॉर स्टूडेंट्स ज़्यादातर ये देखी जाती है। डायग्राम वाइज, कंटेंट वाइज बहुत ही अच्छी बुक है। और बाकी इसमें एक BDC पढ़ते हैं, BD चौरसिया की बुक आती है, 3 वॉल्यूम्स 4 वॉल्यूम्स है, एक 0 वॉल्यूम होता है और बाकी 3 वॉल्यूम्स होते हैं, उसके थ्रू उसमें पढ़ते हैं। और एक आती है IB सिंह की, और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिनको हम मॉडर्न में पढ़ सकते हैं। और आयुर्वेद में एक दृष्टार्थ शरीर आती है, बहुत ही अच्छी बुक है आयुर्वेद की, ज़्यादातर उसको पढ़ा जाता है, उसमें बहुत अच्छे मैटर, उसको कंटेंट बहुत अच्छा दिया हुआ है। ये तो हो गया थ्योरेटिकल, अब हमें प्रैक्टिकली क्या क्या पढ़ना है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रचना शरीर नहीं पढ़ा, अगर आपने एनाटॉमी नहीं पढ़ी, तो आप आगे कैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस करेंगे, कैसे आप सर्जरी करेंगे, ये सब बहुत मुश्किल हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि UG में तो बच्चे निकल जाते हैं, उसके बाद PG में आके मुझे खुद कई बच्चों ने कहा है कि मैम अब एनाटॉमी पढ़ा दीजिए, क्योंकि उनको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं होते हैं। जब तक हमें लिवर की पोजीशन, उसका साइज़, उसके डायमेंशन जब तक यही नहीं पता होगा, तो हम आगे लिवर के बारे में कैसे जान पाएंगे कि हिपैटोमेगैली कैसे हुई या स्प्लीनोमेगैली कैसे हुई, जब तक हमें स्प्लीन के बारे में नहीं पता होगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें एनाटॉमी बहुत अच्छे से पढ़नी है, रचना शरीर के साथ साथ मीन्स आयुर्वेद के साथ साथ आपको मॉडर्न भी बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। खासकर जब भी आप तैयारी करें, जब भी आप रचना शरीर पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, तो आपको डायग्राम्स पे बहुत कंसंट्रेट करना है। आधी चीज़ें तो आपको डायग्राम से ही क्लियर हो जाएंगी, तो डायग्राम्स पे भी फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का होता है, जो CCRM के अकॉर्डिंग आप साइट पे जाके देख सकते हैं, उन्होंने पूरा डिवीजन किया है स्पॉटिंग में, डिसेक्टेड ऑर्गन्स में, बोन्स, जॉइंट्स, मर्म, रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स एंड वाइवा वॉइस, ये सब इसमें होता है। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स में आपको फाइल्स बनानी होती हैं, जिसमें आपको डायग्राम्स वगैरह सारे बनाने होते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल लेवल पे अब हम बात करते हैं कि हमको क्या क्या सीखना है। तो हम कैडेवर पे सारा डिसेक्शन करते हैं और उसको पूरा सीखते हैं, कैडेवर पे लेयर बाय लेयर, जैसा भी बताया गया है। इसके लिए, डिसेक्शन के लिए हम लोग प्रेफर करते हैं कनिंगम जो मैनुअल बुक है, वो बहुत ही अच्छी बुक है फॉर द पर्पस ऑफ डिसेक्शन। साथ ही जो भी हमारे मॉडल्स वगैरह होते हैं, या जो हमारे पास ऑलरेडी हमारे म्यूजियम में डिसेक्टेड ऑर्गन्स रखे होते हैं, उनको लेकर भी हम लोग उसको स्टडी कर सकते हैं। बाकी बोन्स वगैरह सब पढ़ाई जाती हैं, बोन्स आप खुद देखेंगे, खुद हाथ में लेंगे, खुद समझेंगे, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि ये कौन सी बोन है, और बोन का पूरा डिस्क्रिप्शन साथ में उसके जॉइंट्स। तो इस तरीके से पूरे रचना शरीर को पढ़ा जाता है। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट करके उसमें पूछ सकते हैं।